हेलो फ्रेंड्स, विधि क्रिएटिविटी रेसिपीज़ में आपका वेलकम है। आज मैं आपके लिए पालक पनीर की सब्ज़ी लाई हूँ जो बहुत ही डिलीशियस है खाने में। सबसे पहले मैं टमाटर प्याज को स्लाइस में काट लूँगी। हम इसको मोटा मोटा ही काटेंगे। ये देखिए, मैंने प्याज को काट लिया है स्लाइस में। अब टमाटर को भी काट ली हूँ। अदरक का 1 इंच का टुकड़ा ले लिया है, उसको भी मोटा मोटा काट ली हूँ। ये लहसुन ली है मैंने। लहसुन को मैंने पहले पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था, उसका छिलका आसानी से उतर जाता है, और मैं ये छील के रख ली हूँ। एक हरी मिर्च ले ली है। इन सब को अच्छे से काट के अब मैं एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लूँगी, उसको गर्म करूँगी। जब वो गर्म हो जाए, ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा ही लेना है, 2 चम्मच के करीब। ऑयल जब थोड़ा गर्म हो जाए, इसमें मैं हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को ऐड करूँगी। मेरा ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें मैं लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को डाल के थोड़ा सा भूनूंगी। भुन जाने के बाद अब इसमें मैं प्याज को डालूंगी। ये देखिए, लहसुन अदरक अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। अब मैं प्याज को डालूंगी और प्याज को भी अच्छे से ब्राउन होने तक भूनूंगी। ये देखिए, इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। जब ये अच्छे से भून जाए तो इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूंगी। और ये मैंने टमाटर ऐड करके इनको अच्छे से भून लिया है, और टमाटर जितना भूनना है वो अच्छे से गल जाए। अब मैं इसको ठंडा होने दूंगी। ठंडा होने के बाद मैं इसको मिक्सर में, जार में लेकर इसको बारीक पीस लूँगी। अब मैं फिर से कढ़ाई लूँगी, उसमें मैं 1 चम्मच घी डालूँगी, देसी घी। घी अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब घी अच्छे से गर्म हो जाए, अब उसमें मैं थोड़े खड़े मसाले जैसे तेज़पत्ता और दालचीनी 1 स्टिक और जीरा डालूँगी। थोड़ी सी हींग डालूँगी। जब ये अच्छे से भुन जाए तो इसमें मैं अपना टमाटर और जो प्याज का मेरा मैंने पेस्ट बनाया है उसको डाल दूँगी। ये ग्रेवी बहुत अच्छी क्रीमी बनती है, बहुत ही, और इससे हमारा पालक पनीर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसीलिए प्लीज़ फ्रेंड, इसको आप ज़रूर ट्राई करें। अब इसमें मैं थोड़े मसाले, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करिए। इसको इनको हम अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए फ्रेंड, अच्छे से भुनने के बाद मैं इसमें अब ये मैंने पालक प्यूरी को भी पीस लिया है। पालक को मैंने ब्लांच करके, ठंडा करके मिक्सर में अच्छे से बारीक पीस लिया है। ये देखिए, अभी तो ये गाढ़ा है, और इसमें हम थोड़ा गर्म पानी ऐड कर देंगे। जितना आपको पतला गाढ़ा चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, मेरी ग्रेवी भी अच्छे से भुन गई है। अब मैं इसमें अपनी पालक प्यूरी डाल दूँगी। पालक पूरी और टमाटर के मिक्सर को अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे चारों तरफ से। ये ना हो फ्रेंड्स कि पालक अलग दिखे और हमारी ग्रेवी अलग दिखे, उसको हमें अच्छे से मिला के मिक्स करते हुए उसको भूनते भी रहेंगे। और अगर हम ये हमें गाढ़ा लग रहा है तो इसमें हम थोड़ा पानी पहले से ही गर्म कर लेंगे, उसको इसमें ऐड करते रहेंगे। क्योंकि पालक को हम जितना भूनेंगे, पकाएंगे, वो उतना ही गाढ़ा होता रहेगा, पानी हमारा जलता रहेगा, इसीलिए हम धीरे धीरे इसमें पानी ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा कलर आ रहा है, एकदम ये ग्रीन है। मैं जब पालक लाती हूँ, जब भी इसको अच्छे से धो के ब्लांच करके फ्रिज में रख लेती हूँ, वो बिल्कुल हरा बना रहता है, काला नहीं पड़ता है। और कम से कम ये 8 दिन चल जाता है। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो 8 दिन फ्रिज में रखा रहता है तो अच्छा चल जाता है।
मेरा ये दो दिन पुराना था, मैंने इसको ब्लांच करके फ्रिज में स्टोर करके रख दिया था। आज मैंने बनाया है ये, और मैंने इसको केवल पीसना रह जाता है, पीस लिया और आज मैंने आपके सामने इसको बनाया है। अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, इसमें मैं ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करती हूँ। आपने देखा होगा मैं हल्दी, लाल मिर्च, नमक, यही मेरे मेन मसाले रहते हैं। अब मैंने इसको 200 ग्राम पनीर लिया था, उसको मैंने क्यूब्स में काट के अब इसमें ऐड कर दिया है। मैंने पालक को भी फ्राई नहीं किया है फ्रेंड्स, मैं पालक को फ्राई नहीं करती हूँ, फ्राई करने से वो थोड़ा आप केड़ा केड़ा सा अजीब सा हो जाता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे कच्चा ही पनीर अच्छा लगता है, मेरी फैमिली मेम्बर्स को भी कच्चा ही पनीर अच्छा लगता है। ये मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है, और थोड़ा सा मैं इसमें कसूरी मेथी और डालूँगी। कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और हमारे आप उसको किसी में भी डाल सकते हैं, कोई भी आप सब्ज़ी बना रहे हैं कसूरी मेथी आप थोड़ा सा उसमें डाल दें अपने हाथों से क्रश करके, तो उससे सब्ज़ी का टेस्ट दोगुना हो जाता है, उसकी भीनी भीनी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर आया है, कितना प्यारा। अब थोड़ी देर इसको हम ढक के पकने देंगे, क्योंकि अगर हम इसे ढकेंगे नहीं तो ये ऊपर की तरफ उछलता है, तो जिससे हमारी गैस भी गंदी हो जाती है। और ये देखिए मेरा पालक पनीर रेडी है दोस्तों, आप ज़रूर इसको ट्राई करना और मुझे बताना कमेंट सेशन में। मुझे मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे बताएं कि आपने आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ऊपर से मैं ये तड़का डाल दूँगी, मैंने घी में थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और एक साबुत लाल मिर्च को डाल दिया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फ्रेंड्स, बाय।